कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने कि मुझे कई एंगल से ये शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है सभापति महोदय। तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूँ, कई लोगों के कागज बह गए हैं, उनके कागज फिर से बनाए जाएंगे। कागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं, ये जांच का विषय है कि सुपवा बोले तो बोले चलनियो बोला करते जना में 72 छेद बांटे। मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले, बोले जरा जाके भैया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सबको चोर कहता रहा आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं। मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे अध्यक्ष जी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे जो आज व्यक्ति बैठा है वो पहला मुख्यमंत्री नहीं है, वो 5वां मुख्यमंत्री है। इनके पहले शीला दीक्षित जी बैठी थी, उनके पहले सुषमा स्वराज जी बैठी थी, उनके पहले साहिब सिंह वर्मा जी बैठे थे और पहले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी थे। कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था जो आज आया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोक लाज की बात कर रहे थे, बिहार के नेता हैं, बिहार के नेता के मुंह से लोक लाज सुन के हमको हमारे भोजपुरी का एक कहावत याद आ रहा था कि सुपवा बोले तो बोले चलनियो बोला तटे जना में 72 छेद बांटे। फिर भी सभापति महोदय हम भी चुन के आए हैं, हमारे साथियों ने कई बार कहा वो चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, दो दो बार चुन के आए हैं। और यही नहीं, हम निगम में भी चुन के आए हैं और ये सभी चुन के आए हैं जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की क्षमता योग्यता पर संदेह हो गया है। कोई बात नहीं, डिसाइड करेगी देश की जनता। जब कोविड आया था तो याद करिए क्या हुआ था, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे थे। जब कोविड आया तो ये अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैठ करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हुए थे। जब हमारे दिल्ली में बाढ़ आया तो अमित शाह जी की व्यवस्था संभाल रही थी और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने और दिल्ली बर्बाद हो गई। मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल में सो रहे होते हैं या तो शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने आप बताना चाहता हूं कि इस डिबेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा क्योंकि उसको तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि जो कोविड में किराएदारों से वादा किया था कि किराएदार लोग भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज तक किराएदारों को यह सुविधा नहीं मिली। यहां के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं 9 साल से बन रहा है। सभापति महोदय आप वहां बैठे है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं, दिल्ली के गलियों में जाइएगा तो अनाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं, कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। हम चाहते हैं नेताओं पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है। एक नया कॉलेज नहीं 10 साल में, एक नया स्कूल नहीं, ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे। झुग्गी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का, देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को, अभी 3025 लोगों को दिया। कई हमारे साथियों ने पूछा अध्यादेश क्यों आया,
आप याद करिए, 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति फोन पे कहा है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपया दे देना, वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्पष्टता भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अस्पष्टता को बनाए रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है, उसके बाद भी बिना उस पैरा को पढ़े हुए, पैरा 95 को, इन्होंने तुरंत सवेरे किस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विजिलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचो, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कई एंगल से यह शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको मैं बताता हूं क्यों। अभी जब यमुना जी में बाढ़ आया, अभी जब मैं यमुना जी में बाढ़ में गया तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूं, कई लोगों के कागज बह गए हैं, उनके कागज फिर से बनाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किसके कागज बहे? हम तो जिनके जिनके लिए खाना लेकर के गए, जिनके जिनके लिए हम रोटी लेकर के गए, जिनके लिए हम नाव लेकर के गए, वो तो अपना सारा सामान लेकर के सड़क पे सिर्फ टेंट का इंतजार कर रहे थे। कागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि मुझे बिहार की महिलाओं ने कहा, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, उनका बयान दे सकता हूं, बिहार की यूपी की महिलाएं कह रही हैं, हमें तो ये मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। मेरे सभी साथियों, आप विचार करिएगा। और मैं ये बात बताते हुए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि ये किस कारण से ये बिल आ रहा है, सुप्रिया सुले जी यहां बैठी थी, अभी है नहीं, उन्होंने मिस कोट किया सदन को। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य पे हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में 2013 से हूं, न 2013 के चुनाव में, न 2014, न 2015, न 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें। और जहां तक एलजी की बात है, एलजी वही टोकते हैं जहां संविधान का हनन होता है। सभापति महोदय, मैं G20 होने वाली है दिल्ली में, अभी एक दिन मैं अपने घर में रात के 12:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था, तभी पता चला एलजी महोदय बाहर सड़कों पे पेड़ पौधों की वो सुंदरता देखने आए हैं। मैं हैरान था, मैं घर से बाहर निकला और उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोए हुए हैं। तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सभापति महोदय, ये जो बिल है ये दिल्ली के खुशियों का बिल है। इस बिल को मैं तो प्रार्थना करूंगा, आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके रक्षा का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। इसको आप सब पास करें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री विनायक राउत जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के तरफ से मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ साथ में ये जो बिल आया है दिल्ली के बारे में, जो बिल आया है,